गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड टॉर्क यूज्ड इन इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मेनली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, सेकेंड है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। देन सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट इज फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, फर्स्ट एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, देन सेकंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। देन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट इज फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट एंड सेकंड नल डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। देन डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट इज फर्दर डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, सेकंड रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट एंड थर्ड इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। द नेक्स्ट स्लाइड आती है क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। एंड इंस्ट्रूमेंट इज ए डिवाइस इन विच वी कैन डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ और वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। यानी कि इंस्ट्रूमेंट एक डिवाइस है जिससे हम किसी भी वैल्यू को मेजर करते हैं। इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में क्या है, एन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पैरामीटर्स। यानी कि जो भी क्वांटिटी इसमें मेजर की जाएगी वो इंस्ट्रूमेंट के पैरामीटर्स के फॉर्म में होगी। दिस इंस्ट्रूमेंट इज रियली यूज बिकॉज ईच टाइम द वैल्यू ऑफ द मेजरिंग क्वांटिटी वेरीज। इसमें हर समय जो मेजरिंग क्वांटिटी वेरी होती रहती है, सो वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मेजरिंग क्वांटिटी एनालिटिकली विच इज टाइम कंज्यूमिंग। यानी कि यह इंस्ट्रूमेंट जो है वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग इंस्ट्रूमेंट है। दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर स्टेबल फॉर लेबोरेटरी यूज़। यानी कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ लेबोरेटरी यूज़ के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। इसका एग्जांपल है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। सेकंड आता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। दिस इंस्ट्रूमेंट डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ क्वान्टिटी टू बी मेजर डायरेक्टली। यानी कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है डायरेक्टली वैल्यू को जो है मेजर कर लेते हैं, और ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्री कैलिब्रेटेड होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट्स आर वोल्टमीटर है, एमीटर है, वाटमीटर है। प्रैक्टिकली सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स आर स्टेबल फॉर मेजरमेंट। यानी कि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो है वो मेजरमेंट के लिए अधिक स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट आता है इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में डायल और पॉइंटर होता है। जो पॉइंटर जो है वो अपनी जीरो पोजिशन से मूव करके जो है वो मेजर्ड क्वांटिटी को इंडिकेट करता है। देन सेकंड आता है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड कंटिन्यूसली ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि ये स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है किसी भी क्वांटिटी को रिकॉर्ड करता है और उसके अकॉर्डिंग आपको मेजर्ड क्वांटिटी के बारे में बताता है। देन थर्ड आता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट गिव्स द टोटल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी टू बी मेजर्ड और ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। देन नेक्स्ट आता है टॉर्क यूज्ड इन इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टॉर्क आर यूज्ड इन इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, सेकेंड है कंट्रोलिंग टॉर्क, थर्ड है डैम्पिंग टॉर्क। फर्स्ट आता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। जैसा कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है कि डिफ्लेक्शन टॉर्क जो है वो पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करने के काम में आती है। इसमें जैसे ही इंस्ट्रूमेंट को स्प्लाई से कनेक्ट करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट के पॉइंटर के ऊपर एक फोर्स लगता है जो कि पॉइंटर को इसकी जीरो पोजीशन से एक स्पेसिफिक पोजीशन तक मूव करने के लिए बाध्य करता है। यह फोर्स या टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहलाती है। और यह सिस्टम जिसके कारण ये फोर्स लगता है ये डिफ्लेक्टिंग सिस्टम कहलाता है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि इसमें पॉइंटर के ऊपर एक फोर्स लगता है और पॉइंटर जो है वो स्केल के ऊपर मूव करता है। देन नेक्स्ट आती है कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के जस्ट ऑपोजिट होती है और यह है जो है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को काउंटर बैलेंस करने के काम में आती है।
to make the measurement indicated by the pointer. Definitely, a force is necessary which will be acting in the opposite direction to the deflecting force. यानी कि controlling torque जो है वो deflecting torque के just opposite direction में कार्य करती है. This force is known as the controlling force or controlling torque. A system which produces this force is known as the controlled system. When the external signal to be measured by the instrument is removed, the pointer should return back to the zero position. यानी जैसे जो है वो सप्लाई से डिस्कनेक्ट किया जाता है, आपका पॉइंटर जो है वो जीरो पोजिशन में आता है. ये भी जो है वो कंट्रोलिंग टॉर्क का ही कार्य होता है. दिस इज पॉसिबिली ड्यू टू द कंट्रोलिंग फोर्स एंड द पॉइंटर विल बी इंडिकेटेड ए स्टडी वैल्यू व्हेन द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क. यानी कि आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो सही वैल्यू तभी मेजर करेगा जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD और कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों इक्वल होंगे. यानी कि TD इक्वल टू TC, जहाँ पे TD डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को प्रेजेंट कर रहा है, TC कंट्रोलिंग टॉर्क को डिनोट कर रहा है. द नेक्स्ट स्लाइड आती है डैम्पिंग टॉर्क. जैसा कि हम देख रहे हैं कि जैसे ही हम इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट जो है वो रेस्ट पोजिशन से स्केल के ऊपर मूव करता है. पॉइंटर जो है वो जीरो पोजीशन से स्केल के ऊपर मूवमेंट करता है और एक पॉइंट के सराउंडिंग ओसिलेशन स्टार्ट कर देता है. यानी कि इन ओसिलेशंस को डैम्प करने के लिए एक दूसरी टॉर्क और यूज की जाती है जिसको डैम्पिंग टॉर्क कहते हैं. और जो सिस्टम यह टॉर्क प्रोवाइड करवाता है वह डैम्पिंग सिस्टम कहलाता है. डैम्पिंग टॉर्क जो है वो तीन तरीकों से प्रोवाइड करवाई जा सकती है. फर्स्ट एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, सेकंड फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, थर्ड एडी करंट डैम्पिंग. जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया है, ड्यू टू इनर्शिया प्रोड्यूस्ड बाय दिस सिस्टम द पॉइंटर ऑसिलेट्स अबाउट इट्स फाइनल स्टेडी पोजिशन बिफोर कमिंग टू रेस्ट. द टाइम रिक्वायर्ड टू टेक द मेजरमेंट इज मोर. To damp out the oscillation is quickly a damping force is necessary. यानी कि इन oscillations को damp out करना necessary होता है. इसके लिए इसमें different type की damping provide करवाई जाती है.